RSMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित LDC टाइपिंग टेस्ट 2018-19 फ्रेश द्वितीय में कितने अभ्यर्थी रहे उपस्थित, जाने क्या रहेगी कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि LDC भर्ती जो RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी, ये जो भर्ती है 2018 की भर्ती है और इसका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है वो 3 से 6 सितंबर के मध्य हुआ है। इन टाइपिंग टेस्ट में 4 दिनों के भीतर कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे, कितने अनुपस्थित रहे और उसकी क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसी सब बातों में बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं फ्रेश द्वितीय की भर्ती यानी LDC भर्ती 2018 में फ्रेश द्वितीय के टाइपिंग टेस्ट में कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे। जो 3 से 6 सितंबर LDC भर्ती टाइपिंग टेस्ट आयोजन हुआ वो जयपुर में हुआ था, तो उस जयपुर में कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे उसके बारे में जी न्यूज़ की खबर में आपको दिखाता हूँ जो एग्जैक्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये जी राजस्थान की एक खबर है, जयपुर LDC भर्ती परीक्षा को लेकर टाइपिंग और दक्षता टेस्ट संपन्न। 3 से 6 सितंबर तक हुआ टेस्ट संपन्न। करीब 12,500 पदों के लिए 36,000 से अधिक परीक्षार्थी थे पंजीकृत। 4 दिन में 10 चरणों में टाइपिंग और दक्षता टेस्ट हुआ संपन्न। ये संपन्न हो जाने के बाद अब कितने उपस्थिति रही इसमें ये भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, जयपुर LDC भर्ती 2018 लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 4 दिनों में 10 चरणों में हुई टाइपिंग और दक्षता टेस्ट। 12,456 पदों के लिए आयोजित हुआ दूसरे फेज का चरण। दूसरे फेज के लिए 36,565 परीक्षार्थी थे पंजीकृत, इनमें से 29,775 परीक्षार्थी टेस्ट में हुए उपस्थित। यानी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 29,775 अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट के लिए उपस्थित हुए, इन्होंने अपना टाइपिंग टेस्ट दिया। ये तो थी दोस्तों उपस्थिति की रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित LDC भर्ती में कट ऑफ क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम आपको भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको यह रहेगा कि आगे आने वाले हर एजुकेशन संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की, तो कट ऑफ की आपको एक एक कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बताई जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट में दोस्तों अगर आप टाइपिंग टेस्ट के अंतर्गत किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे जनरल OBC SC ST किसी भी में हैं, अगर आप 90+ नंबर लेकर आ जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में और लिखित में चाहे आपके कितने ही नंबर है, 92 है या 122 है, 122 या जनरल की है, 115 है OBC की है, यानी किसी भी कैटेगरी के है, अगर 90+ टाइपिंग टेस्ट में नंबर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% है, आपकी नौकरी 100% पक्की है। अगर आप 90% से ऊपर लेकर नंबर आते हैं सिर्फ टाइपिंग टेस्ट में तो आप अपनी सीट श्योर मान सकते हैं, 100% उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का जो हो कैंडिडेट है। जनरल SC ST OBC किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत अगर 90% से ऊपर नंबर आते हैं तो 100% श्योर सिलेक्शन है। दोस्तों हमने पूरा अच्छी तरह से विवरण कर लिया है, यानी अच्छी तरह जानकारी करने के बाद ही ये हम कट ऑफ जारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके पेपर में कैसी कट ऑफ रही थी, यानी दोस्तों आपका जो लिखित पेपर हुआ था उसमें ये कट ऑफ आपकी रही। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो 122 रही थी, OBC है तो 115, SC है तो 92 यानी 92, ST है तो 77, ये कट ऑफ रही थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये तो थी लिखित पेपर की, अब इसमें आपके सभी में टाइपिंग टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे, अगर आप कितने कितने नंबर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल की। जनरल कैटेगरी में 122 की तो कट ऑफ गई थी, और इसके बाद अगर 95 नंबर लेकर आता है कैंडिडेट जनरल का तो उसका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और OBC का कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है वो
क्योंकि ओबीसी और जनरल की एक बात सामान्य आप समझ लें कि इनकी कट ऑफ है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो उसका भी 93 से 95 के बीच में अगर नंबर लेकर आता है तो वो भी अपना सिलेक्शन श्योर मान सकता है। एससी का अभ्यर्थी ये 92 की लिस्ट गई थी, उसके बाद में अब टाइपिंग टेस्ट में अगर 85 से 90 नंबर लेकर आता है तो उसका भी सिलेक्शन श्योर है। एसटी है, एसटी में 77 पहले कट ऑफ गई थी पेपर में, लिखित पेपर में, अब है 80 से 85 के बीच में अगर वो नंबर लाता है तो वो भी अपना सिलेक्शन श्योर मान सकता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे सामने जो कट ऑफ तैयार होकर आती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो जनरल की है 217। अगर आप 217 नंबर लेकर आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ओबीसी है तो 210 या 208 नंबर, यानी 208 से लेकर 210 के बीच में अगर आते हैं तो आपका भी सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद एससी की बारी करते हैं तो 177 से लेकर 182 के मध्य आपके नंबर आते हैं तो आपका भी सिलेक्शन श्योर होगा। और एसटी है 157 से लेकर 162 तक है तो आपका भी सिलेक्शन श्योर होगा। तो ये है दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो राशन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी भर्ती आयोजित की गई थी, उसका जो लिखित में जो नंबर आए थे, लिखित की जो कट ऑफ है ये है, और टाइपिंग टेस्ट में जो नंबर लेकर आते हैं, अगर आप इतने नंबर लेकर आते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार और आपकी ये अगर अंक आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपकी नौकरी पक्की है। इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक और बात कही थी कि अगर आपके किसी भी कैटेगरी में 90% से ऊपर टाइपिंग टेस्ट में नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर माना जाएगा, यानी श्योर सिलेक्शन है, आप किसी भी कैटेगरी से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नज़र आती है तो आप अपने सविवेक से काम लेवें, क्योंकि ये तो कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये हम आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति हो तो आप सविवेक से काम में लेवें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को दबाना न भूलें।